हेलो गुड मॉर्निंग सुप्रभात दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार जी एजुकेशन वर्ल्ड में। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन दबा लें ताकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच पाए। तो सुनिएगा आज का मोटिवेशनल कोट, हो चुका आगाज रण का युग बदलने की तैयारी, हो चुका आगाज रण का युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। लगा दो आग पानी में जवानी उसे कहते हैं, लगा दो आग पानी में जवानी उसे कहते हैं, और छीन लो सिलेक्शन कहानी उसे कहते हैं। वक्त आ गया है जागने को, अगर तुम अब भी नहीं जागे तो तुझे कोई नहीं जगाएगा। तो आ जाओ मिल के मेहनत करते हैं। तो स्वागत है अपने परिवार। आज हम लोग पढ़ेंगे मुख्य उत्सर्जी अंग किडनी के बारे में, साथ ही साथ जानेंगे कि किडनी में जो स्टोन होता है, पथरी होता है, किसके कारण से होता है। पूरी जानकारी मैं अपने शब्दों में बताऊंगा, अपनी भाषा में समझाऊंगा, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो इसे दूसरों के साथ भी शेयर करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। तो समझिएगा ध्यान से, मुख्य उत्सर्जी अंग कौन सा होता है? किडनी होता है। किडनी मानव में कितने होते हैं? किडनी मानव में दो होते हैं, ठीक है। कितने होते हैं? दो होते हैं। और दो होते हैं तो ये किसके आकार का होता है? तो सेम के बीज के आकार का, दिख रहा है आपको, ये सेम के बीज के आकार का होता है, ठीक है। अब इसके ऊपर में एक क्या हो, थैलिनमस रचना होती है, इसको क्या बोलते हैं? अधिवृक्क ग्रंथि बोलते हैं, एडिनल ग्लैंड बोलते हैं। ग्रंथि चैप्टर में हम लोग इसको पूरे डिटेल से पढ़ेंगे। तो कितने होते हैं? किडनी की संख्या दो होती है। किडनी की संख्या कितनी होती है? दो होती है। जो दाहिना किडनी होता है बाएं किडनी से थोड़ा दबा हुआ छोटा प्रतीत होता है। छोटा प्रतीत क्यों होता है? क्योंकि दाहिने साइड में क्या आपका लीवर है, उसके दबाव के कारण वो छोटा प्रतीत होता है आपका, मतलब कि छोटा प्रतीत होता है। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा यहाँ से कि कौन सा किडनी जो है छोटा प्रतीत होता है, तो आप कह सकते हैं कि दाहिना किडनी जो है थोड़ा छोटा प्रतीत होता है, छोटा दिखता है ये। और आगे चलते हैं, जो यूरिन का निर्माण होता है कहाँ पर होता है? किडनी में होता है। जो पेशाब का निर्माण होता है कहाँ होता है? किडनी में होता है। अब जो इसके माध्यम से जो एक नस निकला हुआ है, इसके माध्यम से कहाँ पहुँचता है? ब्लेडर में पहुँचता है, मूत्राशय में पहुँचता है। अब मूत्राशय से आपका फिर आपका यूरेथ्रा के द्वारा, मतलब मूत्र मार्ग के द्वारा बाहर निकल जाता है। बनता कहाँ है यूरिन? पेशाब बनता कहाँ है? तो यहाँ वृक्क में बनता है। अब इस पर से एक मूत्रवाहिनी, एक नली निकली हुई, इसको मूत्रवाहिनी बोलते हैं, यूरेटर बोलते हैं। यहाँ से आपका ब्लेडर में पहुँचता है, ब्लेडर में आपका हाफ लीटर लगभग में जो मूत्र है वहाँ पर स्टोर रहता है, उसके बाद आपका यूरेथ्रा का रास्ते बाहर निकल जाता है। ये तो थी मुख्य उत्सर्जी अंग किडनी की बाहरी संरचना। अब आंतरिक संरचना को देखते हैं। आंतरिक संरचना जो है इसका, आपका देखिए, इसको मैंने यहाँ पर बना दिया। जो बाहरी जो परत है इसको बोलते हैं कार्टेक्स बोलते हैं। क्या जो दिख रहा है आपको बाहरी परत, इसको कार्टेक्स बोलते हैं। जो अंदर वाला भाग है आपका, अंदर वाला भाग इसको बोलते हैं मेडुला बोलते हैं। और जो आपका मुख्य द्वार दिख रहा है किडनी का, इसको रेनल हाइलम बोलते हैं। यहीं पर यूरिया सबसे अधिक मात्रा में उपस्थित होता है। क्वेश्चन पूछा जाएगा यूरिया कहाँ पर उपस्थित होता है सबसे अधिक मात्रा में, तो यह आपका रेनल हाइलम में, किडनी का मुख्य द्वार में उपस्थित होता है। यहाँ पर आपका अमोनिया की सांद्रता भी सबसे अधिक मात्रा में होता है। कहाँ पर? यहाँ पर। तो ये तो थी, है ना, किडनी के बाहरी संरचना और आंतरिक संरचना के बारे में। अब जानते हैं किडनी के कार्य के बारे में। किडनी को वृक्क बोलते हैं, गुर्दा बोलते हैं और किडनी बोलते हैं, ठीक है। अब समझते हैं कार्य के बारे में। कार्य क्या? फर्स्ट है आपका मुख्य उत्सर्जी अंग है। मुख्य उत्सर्जी अंग, शरीर के मुख्य उत्सर्जी अंग मैंने 5-6 बताया था आपका, उससे सबसे ज़्यादा मुख्य उत्सर्जी अंग कौन सा है? तो ये आपका किडनी हो गया, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका रक्त को छानता है। ये रक्त को छानने का काम, मतलब हुआ रक्त से गंदगी को निकालना, रक्त से गंदा पदार्थ को निकालने का काम कौन करता है? तो ये किडनी करता है। शुद्ध नहीं करता है, है ना, सिर्फ गंदगी को निकालने का काम करता है। तो शुद्ध करता कौन है? तो शुद्ध करने का काम जो है फेफड़ा करता है। फेफड़ा शुद्ध करने का मतलब ये हुआ रक्त में ऑक्सीजन को मिलाना। रक्त में ऑक्सीजन को मिलाने की प्रक्रिया कहाँ होती है? तो ये होता है फेफड़ा में। इसलिए शुद्धिकरण किसको बोलेंगे? तो फेफड़ा किया। कौन किया शुद्धिकरण? और रक्त छानने का काम कौन करता है? तो गुर्दा करता, किडनी करता, ठीक है। आगे पॉइंट देखते हैं, ये पेशाब का निर्माण करता है। यूरिन का निर्माण कहाँ होता है? तो ये आपका होता है किडनी में होता है। आगे नेक्स्ट है आपका अम्ल क्षार को नियंत्रित करता है, मतलब कि पीएच को बैलेंस करता है। अगर आप अम्लीय चीज़ ज़्यादा खा लोगे या फिर क्षारीय चीज़ ज़्यादा खा लोगे तो इसको बैलेंस करने का काम कौन करता है? किडनी करता है। कभी कभी आप देखे होंगे जहर को, किसी व्यक्ति को जहर देकर मार दिया जाता है, तो सबसे पहले खराब कौन चीज़ होता है, कौन सा अंग होता है, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगर किसी व्यक्ति को जहर देकर मार दिया गया हो, है ना, तो कौन सा अंग के कारण वो उसकी मृत्यु हो जाती है? तो लीवर के कारण उसकी मृत्यु हो जाती है। अगर जांच में भी अगर जाया जाता है, जांच भी किया जाता है, तो जांच कौन से अंग का किया जाता है? तो लीवर का किया जाता है। अगर छोटा मोटा जहर अगर किसी को दिया भी जाए
इसको नियंत्रित कर देता है, निष्क्रिय कर देता है। निष्क्रिय करने का जहर को निष्क्रिय हल्का फुल्का अगर जहर दिया जाए तो किडनी क्या करता है, निष्क्रिय करने का काम करता है, ठीक है। और ज़्यादा अगर जहर देकर मार दिया जाता है तो कौन से अंग की जाँच किया जाता है, तो आपका लीवर का किया जाता है। आपका शराब से, शराब अगर कोई अधिक मात्रा में पी लेता है तो कौन सा अंग खराब हो जाता है, तो खराब जो होता है पहले आपका किडनी कौन सा डैमेज करता है, तो लीवर डैमेज करता है। और सब एग्जाम में मार देता है कि किडनी मारता है, किडनी नहीं होता, किडनी बाद में डैमेज करता है, बाद में डैमेज करता है। सबसे पहले खराब कौन होता है, शराब अधिक मात्रा में पीने से कौन खराब करता है, तो लीवर खराब करता है, ठीक है। अधिक मात्रा में शराब पीने से लीवर खराब हो गया है ना। जहर देकर किसी व्यक्ति को मार दिया जाता है तो जांच अगर किया जाता है तो किस अंग की जांच की जाती है, तो लीवर की जांच की जाती है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब समझते हैं संख्या कितना होता है किडनी का, तो किडनी की संख्या दो होता है। इसका भार जो होता है 120 से 170 होता है। अगर पतला दुबला हमारे जैसा आदमी होगा तो उसका 120 से लेकर 120 होगा, 120 ग्राम होगा। भारी भरकम कोई मोटा ताजा होगा तो उसका कितना होगा, 120 से ज़्यादा होगा, मतलब 170 ग्राम का होगा किडनी का भार जो होता है। इसको जो झिल्ली होता है पेरिटोनियम होता है, मतलब कि किडनी जो पूरी तरह से जो घिरी हुई झिल्ली से होती है उसको क्या बोलते हैं, पेरिटोनियम नामक झिल्ली से घिरी होती है। इसके बाहरी भाग को क्या बोलते हैं, इसके बाहरी भाग को कार्टेक्स बोलते हैं। अंदर वाले भाग को क्या, आंतरिक भाग को क्या बोलते हैं, मेडुला बोलते हैं। और जो इसका प्रवेश द्वार होता है जहाँ पर अमोनिया की मात्रा सांद्रता जो है सबसे अधिक होती है उसको क्या बोलते हैं, तो रेनल हाइलम बोलते हैं। आगे समझते हैं इकाई क्या होती है। कभी कभी आप लड्डू बनाए होंगे, लड्डू जो बनाए होंगे तो बुनिया से बनता है, तो बुनिया जो है बुनिया को पहले छानते हैं, तो बुनिया छोटा छोटा कण होता है ना, तो उस जो छोटे छोटे बुनिया को ही क्या बोले, लड्डू का यूनिट बोला जाता है। लड्डू का यूनिट क्या हो गया, आपका बुनिया हो गया। उसी तरह शरीर, हमारे शरीर का अगर इकाई पूछा जाए तो क्या होगा, कोशिका हो गया, कोशिका से हमारे शरीर का निर्माण हो। उसी तरह से ये जो आपका किडनी का निर्माण हुआ है लगभग छोटे छोटे नेफ्रोन से हुआ है। नेफ्रोन की संख्या कितनी, लगभग में 10 लाख नेफ्रोन मिल करके एक किडनी का निर्माण किए हैं, ठीक है। तो क्या कहा जाता है कि जो किडनी का अध्ययन करता है उसको क्या बोलते हैं, नेफ्रोलॉजिस्ट बोलते हैं, नेफ्रोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, इसके बाद आप नेफ्रोलॉजी के बारे में बात करते हैं। नेफ्रोलॉजी के कार्य देखिए, नेफ्रोन जो दिया हुआ इसके बारे में समझते हैं। देखिए ये बहुत छोटे छोटे होते हैं, छोटे छोटे को यहाँ पर जूम करके मैंने बता दिया है। अब देखिए जो बाहर में आपको जो झिल्ली दिख रहा है इसको बोलते हैं ग्लोमेरुलस बोलते हैं, ठीक है। ये क्या करता है, इसका काम है मतलब कि रक्त को छानने का काम करता है। यहाँ पर रक्त जब पहुँचता है तो इसका काम बेकार चीज को छानना। इस असुरा क्या करता है कि बेकार के साथ अच्छी चीज को छान लेता है, मतलब विटामिन और न्यूट्रिशन सब को छान लेता है ना, छान लेता है, और जो भी शुद्ध रक्त होता है उसको वापस भेज देता है, ठीक है। वापस भेजने का काम इसका होता है, किसका, ग्लोमेरुलस का होता है। अब जब यहाँ से आपका रक्त जो छाना है जब इसको भेजता है, बोमेन कैप्सूल को भेजता है। बोमेन कैप्सूल इसके बाहरी भाग को जो बोलते हैं ना, जो ये जो दिख रहा है आपका ये संरचना जो गोलाकार दिख रहा है इसको बोलते हैं बोमेन कैप्सूल, ठीक है, बोमेन कैप्सूल। तो जो छाना है रक्त जो छाना है वो कहाँ भेज दिया, यहाँ पर भेज देता है, ठीक है, इसके अंदर भेज देता है। तो इसके अंदर भेज देता है तो ये कहता है कि तुम पूरा बकलोल हो, कौन, तुम पूरा बकलोल हो, तुमको छानने के लिए रखा बेकार पदार्थ, तुम जो है छान लियो क्या चीज, ग्लोमेरुलस बोलता है कि तुम पूरा के पूरे बकलोल हो, तुमको छानने के लिए बेकार पदार्थ रखा गया, अब तुम अच्छको चीज कहां छान ले रहा है ना, तो अच्छको चीज को छान लेता है। अब ये क्या करता है, इसका काम क्या है, ये आवश्यक जो पदार्थ है, जो कि इम्पोर्टेंट पदार्थ है, उसको क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, मतलब कि पुनः अवशोषण कर लेता है, अवशोषण करके फिर भेज देता है कि जाओ तुम लोग का रास्ता अलग है, ठीक है, तुम लोग का रास्ता अलग है। और उसमें से यूरिया को अलग कर लेता है। यूरिया को अलग करना मतलब रक्त से यूरिया को अलग करना ही क्या कहलाता है, डायलिसिस कहलाता है, अपोहन कहते हैं। किसी का किडनी खराब होता है तो उसकी किडनी को बाहर निकाल करके यही प्रॉब्लम होता है, मतलब कि यूरिया ब्लड से अलग नहीं हो पाता है तो उसका किडनी खराब होता है। उस किडनी को बाहर निकाल करके डॉक्टर है ना क्या करता है, उसमें रक्त प्रभावित किया जाता है और मशीन के द्वारा किया जाता है और यूरिया को अलग किया जाता है। मशीन के द्वारा यूरिया का अलग करना ही क्या कहलाता है, डायलिसिस कहलाता है, अपोहन कहलाता है ना। तो बाहर से भी अपोहन, बाहर से भी डायलिसिस किया जा सकता है और आंतरिक भी हो सकता है। आगे समझते हैं, जब ये यूरिया को अलग कर दिया तो नेफ्रोन जो है इसको कहाँ, यूरिन के रास्ते बाहर निकाल देगा। यूरिन के रास्ते आपका पेशाब के रास्ते नेफ्रोन जो है बाहर निकाल देगा। अब समझते हैं पेशाब के बारे में, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब पेशाब को समझते हैं, पेशाब को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, यूरिन बोलते हैं।
पेशाब में जो है यूरिन में जल की मात्रा जो होती है 95% होती है। यहाँ से क्वेश्चन बना था है ना कि जो पेशाब होता है जल, पेशाब में जल की मात्रा कितनी होती है 95% होता है। और इसमें यूरिया की मात्रा क्यों होती है, यूरिया भी होता है तो 2% इसमें यूरिया होता है। आगे पीएच मान इसका कितना होता है, तो पीएच मान इसका जो होता है आपका 4 से 4.8 होता है। अब जब 4.8 हुआ तो 7 से अगर ऊपर होगा तो क्षारीय हो जाता है, 7 से अगर नीचे होगा 7 से तो अम्लीय हो जाता है, इसका स्वभाव जो होगा अम्लीय हो जाएगा। और जो इसका पीला रंग होता है मूत्र का, कभी कभी पीला रंग जो होता है किसके कारण होता है, तो ये आपका यूरोक्रोम के कारण होता है। और लैटरिन का पीला रंग किसके कारण होता है, तो बिलुरुबिन के कारण होता है जो यकृत स्रावित करता है। ठीक है, तो लैटरिन का पीला रंग जो किसके कारण होता है, तो बिलुरुबिन के कारण होता है। और पीला आपका यूरिन का पीला रंग जो होता है यूरोक्रोम के कारण होता है। ठीक है, अब इसका जो गंध देता है, मैंने कल बताया था वीडियो में, गंध जो देता है अमोनिया कारण देता है। शरीर में यूरिन का निर्माण हुआ, यूरिन क्या चेंज हो जाता है, अमोनिया में चेंज हो जाता है, बाहर जब निकालते हैं तो अमोनिया में चेंज हो जाता है 2 से 3 घंटा में, तब वो बड़ी गंध करता है। तो गंध किसके कारण होता है, अमोनिया के कारण होता है। तो ये समझ में आ गया आप लोग को। अब चलते हैं यहाँ पर किडनी की बीमारी के बारे में, किडनी में के बारे में, किडनी की, देखिए किडनी में बहुत सी बीमारियाँ होती हैं, उसको बारी बारी से हम लोग देखते हैं। पहला आपका किडनी स्टोन जिसको पथरी बोलते हैं, ये किसके कारण होता है, यहाँ पर ध्यान समझिएगा, ये पेल्विस जो दिख रहा है आपका भाग पेल्विस, यहीं पर आपका क्या जमा होता है, तो कैल्शियम ऑक्सीलेट जमा हो जाता है, कैल्शियम फॉस्फेट और यूरिक एसिड कह सकते हैं। इसके कारण क्या होता है आपका, तो स्टोन पथरी का निर्माण होता है। आगे एक और बीमारी यूरेनिया, यूरेनिया बीमारी क्यों होती है, किसके कारण होती है, तो अमोनिया का अधिकता कारण, अमोनिया के अधिकता कारण। किसी किसी का देखे होगे, कोई अगर पेशाब करता है तो सबसे बड़ी महकता है, तो किसके कारण महकता है, तो अमोनिया अधिकता के कारण महकता है, मतलब यूरोनिया की बीमारी से वो ग्रसित है। आगे गठिया, गठिया मैंने बताया दो हड्डियों के जोड़ में साइनोवियल लिक्विड होता है, साइनोवियल जिसके कारण वो फ्रीली मूव कर पाता है ना, तो वहां पर यूरिक एसिड जमा हो जाता है जिसके कारण हड्डियां पर चोंय चोंय करने लगता है। अब बुढ़वन सब बैठता करता आइगे माई करता है ना, तो उसके कारण करता बहुत दर्द देता है बुढ़वन सबको है ना, तो इसके कारण, तो यूरिक एसिड वहां पर जमा हो जाता है, इसको गठिया बोलते हैं इसके कारण। आगे आपका किडनी खराब, मानव शरीर में कितनी किडनियाँ होती है, 2 किडनियाँ होती है। अगर एक किडनी खराब हो जाएगा ना, तो उतना ही काम करेगा जो आपका ये 2 किडनियाँ करता है। ठीक है, अगर किडनी दोनों खराब हो गया तो कोई भी आप रिलेशन से एक किडनी आप ले सकते हैं है ना, किडनी ले सकते हैं जिसका किडनी काम कर रहा है, दोनों उससे आप एक ले करके काम चला सकते हैं। फिर भी अगर नहीं मिलता है तो कोई भी मृत व्यक्ति का किडनी आप ले सकते हैं। कब, कितने समय में, 48 घंटे में आप अपना उनका किडनी है ना, जिस तरह से उसका ऑपरेशन एक साइड हो रहा है, एक साइड आपका ऑपरेशन हो रहा है, उठा करके डाल दिया सकता है, ट्रांसप्लांट किया सकता है। ठीक है, टोटली किया सकता है अगर किडनी खराब होगा तो। तो ये तो 30 संबंधित किडनी के बारे में मैंने पूरी जानकारी आपको दे दिया, फर्स्ट वीडियो भी दिया है और सेकेंड वीडियो मैंने अच्छी तरह से दे दिया। वीडियो अगर कैसा लगा आप लोग कमेंट के माध्यम से बताइएगा।